हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो NIELIT की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोग को सैलरी 1 लाख पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोगों को सैलरी लेवल 10 के हिसाब से यानी कि 56,100 से लेके 1,77,500 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सीटीसी 1 लाख पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BE/TECH की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में से मास्टर्स किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप लोग मास्टर्स किए हो तो उस केस में 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स का रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए गेट स्कोर की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 फरवरी 2023 से, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 16 मार्च 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन स्टेटस को एक बार चेक करना होगा। अगर उसमें सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपीज एप्लीकेशन फी रहा गया है। सिमिलरली SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोग का जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई पे रहेगी। बट इसमें आप लोग का जो इंटरव्यू होगा उसके लिए सेंटर सिर्फ दिल्ली पे रहेगी। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोग का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। टोटल एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट में से क्वेश्चंस रहेगी। टोटल पेपर के लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी। हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स कंसिडर किया गया है, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आप लोगों का जो टेक्निकल पार्ट है उसमें 78 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 78 मार्क्स का एग्जाम होगा। और उसके साथ आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 42 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आप लोग का जो टेक्निकल पार्ट है उसमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उस डिसिप्लिन में से क्वेश्चंस रहेगी। और इसमें आप लोग का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस में से 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 42 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, अगर आप लोग एग्जाम देने के टाइम कोई भी आंसर्स गलत करते हो तो उस केस में 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगी।
क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% यानी कि 60 मार्क्स लाना होगा आप लोगों को रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 40% और एससीएसटी कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स लाना होगा आप लोग को रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। रिटेन टेस्ट का जो सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। वेटेज की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे आप लोगों का जो रिटेन टेस्ट होगा उसका वेटेज 85% रखा गया है और इंटरव्यू का वेटेज 15% रखा गया है। और इंटरव्यू के साथ साथ आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो उस टाइम आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम अपलोड करना होगा। इसमें फर्स्ट आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उसका स्कैन कॉपी, उसके साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी और उसके साथ आपका कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का स्कैन कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम अपलोड करना होगा। इसमें आप लोग का जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उसका फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज 50 KB के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे हर एक डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट PDF फॉर्मेट पे होनी चाहिए और हर एक डॉक्यूमेंट्स के लिए साइज यहीं पे मेंशन है तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उस टाइम आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। इसमें फर्स्ट आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स से उसका ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उस केस में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो PSU या तो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे हो तो उस केस में आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को साथ में लेके इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एग्जाम का जो सिलेबस है उसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।